नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। जैसे कि अक्षय तृतीया आ रही है, यह हमारे सनातन धर्म में जो हमारा वैदिक पंचांग होता है उसमें अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है, जो कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है। बहुत ही अधिक महत्व है। कहा जाता है कि ना तो कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता है, ना कोई समय देखने की आवश्यकता है, ना लग्न देखने की आवश्यकता है। कोई भी शुभ कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो इस दिन बिना पूछे कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया भी मानी जाती है, और माघ की जो अमावस्या आती है उसे इन सब का बहुत महत्व माना जाता है। आपको छोटा सा और जानकारी देता हूँ कि यह जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया है, इस दिन हम जो भी पुण्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसे अक्षय फल माना जाता है। उसका अक्षय तृतीया इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इस दिन किया हुआ दान पुण्य इत्यादि अक्षय होता है, उसका कोई क्षय नहीं, यानी कि खत्म नहीं होता वो। इसलिए सभी लोग दान करें, विशेष रूप से अपने कल्याण के लिए, मन की शांति के लिए इस दिन जल का दान करें, जूता का दान करें, सफ़ेद वस्त्र का दान करें, ब्राह्मण को, गरीबों को भोजन कराएं, और इनसे भी विशेष है कि अपने गुरु का पूजन करें। आज के दिन यदि आपके गुरुदेव भगवान हैं तो उनको बैठा करके उनका पूजन करें, ना हो तो किसी ब्राह्मण, किसी अपने पुरोहित को बैठा करके उनका पूजन करें और उसके बाद उन्हें दान दें। यह सबसे उत्तम विधि है। चलिए, इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो, तिथि, त्यौहार इत्यादि की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें और अपने इस YouTube चैनल गोपाल पंडित जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।